बीते कुछ दिनों से लगभग पूरे उत्तर भारत में हो रही बारिश ने लोगों को चिंता में डाल रखा है। ये बारिश केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि इसका असर पुणे और मुंबई तक देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, लेकिन IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि यह बारिश क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं बल्कि हर साल मार्च में होने वाली प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने इस बारिश की तीन वजह बताई हैं, जिनमें पहली है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा कारण है साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती प्रचलन, तथा तीसरा कारण है अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्वी हवाओं का मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के आसपास टकराव। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ कैसे हर साल उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के पूर्वी छोर या कभी कभी कैस्पियन सी से उत्पन्न होते हैं और फिर पश्चिमी जेट धाराएं यानी वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स इन्हें पाकिस्तान होते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक ले आती हैं। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से उत्तर दिशा में चलते हैं और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों तक अपना असर दिखाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनके आने से पूर्व उत्तर भारत का एयर प्रेशर कम हो जाता है और तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही ये आ जाते हैं तापमान में एकदम से गिरावट देखी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ बारिश, ओले और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी लाते हैं। सामान्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ जनवरी के अंत में या फरवरी में भारत में दाखिल होता है और मार्च तक टिकता है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा मजबूत पाया गया है और सामान्य से अधिक बारिश कर रहा है। वैसे तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा की गई हल्की फुहारों वाली बारिश रबी की फसलों के लिए वरदान मानी जाती है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा होना किसानों के लिए चिंता की बात है। IMD के अनुसार यह बारिश सरसों के फूलों के लिए नुकसानदेह है। इसकी वजह से फूल झड़ जाते हैं और पैदावार में कमी आ जाती है। वहीं जिन इलाकों में ओले गिरे हैं वहां गेहूं की फसल को भी इस बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड के साथ।